हेलो दोस्तों, ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि टारगेट करना ही है तो फिर अजय देवगन को ही सिर्फ क्यों करना। आई मीन कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि अजय देवगन की जो लाइफ है अभी सिर्फ रीमेक में ही जा रही है। दृश्यम आया, अब भोला आ रहा है, वो भी एक रीमेक ही है। रीमेक के सहारे कितने जियोगे। मतलब मेरे नहीं डायलॉग, हेटर्स के डायलॉग थे। एक ने लिखा है सिंगम भी तो रीमेक था, गोलमाल जो रिटर्न्स था वो भी रीमेक था, हिम्मत वाला रीमेक था, कितना रीमेक। तो भाई मुझे एक बात बताओ, फिर रेडी क्या थी, बॉडीगार्ड क्या था, हाँ सेल्फी क्या है, शहजादा क्या है, क्या बाकी के लोग रीमेक नहीं करते, कबीर सिंह क्या था, जर्सी क्या था। नहीं, हर एक एक्टर का अगर मैं कट टू कट देखा जाए ना, अपार्ट फ्रॉम SRK शाहरुख खान, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अभी शाहरुख खान ने भी कोई ज़्यादा रीमेक किए ही नहीं है शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, या फिर याद नहीं अभी, तो माफ़ कर देना अगर कुछ होंगे तो। लेकिन जितना मुझे याद है, शाहरुख खान कभी भी रीमेक के पीछे नहीं भागता है, जितना मैंने देखा है। एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन जितने भी मैंने बड़े बड़े एक्टर्स देखे हैं, भाई अक्षय कुमार, बच्चन, पांडे, हाँ, और मतलब ये मैंने तो कहीं पे सुना था रक्षाबंधन भी, एक्चुअली मुझे नहीं पता लेकिन शायद सुना था मैंने। और बड़े बड़े यार अक्षय कुमार, फिर राउडी राठौड़ देखो, ये सलमान का वांटेड देखो, भाई सब रीमेक ही तो कर रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ अजय देवगन को ही क्यों किया जा रहा है। करना है तो सबको टारगेट करो, या फिर एक को भी टारगेट मत करो। रियलिटी तो यह है कि बॉलीवुड को ही रीमेक वुड कहा जाता है आजकल, तो ये रियलिटी याद रखो। अब यहाँ पे आते हैं साउथ में, कुछ बोलते हैं कि भाई साउथ रीमेक नहीं बनाता। मैं आपको ये बता दूँ कि साउथ भी बहुत बार रीमेक बनाता है। साउथ इंडस्ट्री के अगर आप कुछ मूवीज़ देखो तो कुछ तेलुगु मलयालम से ली गई है, कुछ तमिल तेलुगु से ली गई है, और तेलुगु वाले भी बहुत से रीमेक बनाते हैं, इसका लिया उसका लिया। तो ऐसा मत समझना, हर एक इंडस्ट्री में भाई रीमेक होते हैं। अब एक मराठी मूवी आई थी शायद 20 साल पहले, एक मूवी आई थी शायद, मुझे अगर मैं सही हूँ तो, उसका अभी रिसेंटली गुजराती में भी रीमेक बना था। भाई रीमेक सब जगह है, एक्टर्स रीमेक बनाने वाले करने वाले काम सब जगह है, किसी एक को टारगेट करके क्या मिलेगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बिकॉज भोला इज रीमेक इट विल बी अ फ्लॉप। तो भाई ये वही लोग हैं जो बोले थे दृश्यम 2 फ्लॉप जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट अजय देवगन, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ सिर्फ। मैंने तो सुबह आपको सेल्फी का भी तो वीडियो बना के दिया, मैंने उसमें ये भी बोला अगर मैं सिर्फ अजय देवगन जी की ही साइड लेने वाला था तो फिर मैंने अक्षय कुमार सर की क्यों ली सुबह साइड। बात वो नहीं है कि मैं सिर्फ अजय देवगन सर को बैक कर रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि रीमेक लाल सिंह चड्ढा भी था भाई। आमिर खान ने तो रिसेंटली मैंने सुना है कि और एक रीमेक के पीछे भाग रहा है वो, तो ऐसा नहीं रहता है ना। चाहे वो शाहरुख खान सर के बारे में नहीं बोल पाऊँगा यार, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि, पर बाकी भाई कौन बचा। देखो भाई रियलिटी में वापस आओ, ये ऐसे ही तीर वीर मारना बंद कर दो। मैं बात करूँगा, रीमेक अगर वेल मेड है ना, कोई नहीं रोक पाएगा उसका हाइप बढ़ाना आप, लेकिन वो फैंस पे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं भोला 150 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जाएगा, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगा। भाई वो वक्त बताएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि जो दृश्यम 2 जैसी साइलेंट मूवी अगर वो 250 करोड़, लगभग 240 करोड़ भारत में गई थी, वर्ल्ड वाइड वो अराउंड 345 या 350 के आसपास गई थी, तो भाई जो तबाही है भोला की, क्या आपको लगता है वो 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं जाएगी। मैं मेरी बातों पे कंफर्म हूँ कि 500 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड जाएगी। उसके पीछे रीज़न था टीज़र 2। तो भाई देखो रीमेक तो रीमेक है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो कैथी का रीमेक नहीं है, वो है, लेकिन वो दम फिर फैंस पे है ना, तुम उन पे छोड़ दो ना। तुम जो हेटर्स हो, तुम हर एक के बारे में तुम कुछ ना कुछ बोलते रहते हो क्योंकि शायद तुम दूसरे एक्टर के फ़ैन हो, तो भाई तुम्हारा जब एक्टर रीमेक बनाता है तुम कुछ नहीं बोलने वाले, मुझे पता है, पर भाई वो भी तो है, तो ठीक है ना, तुम्हारे को तो भाई फ़ायदा है ना कि वो बंदा रीमेक कर रहा है तो शायद उसके फ्लॉप जाने के चांसेस ज़्यादा है, पर अगर उसके फैंस ने उसको चढ़ा दिया तो तुम क्या कर लोगे फिर। बात वही है, रीमेक है अच्छी बात नहीं है, कोई भी मूवी है रीमेक है अच्छी बात नहीं रहती है, पर बात ये मत भूलो कि अगर वो वेल मेड रीमेक है
और टीजर टू के बाद तो सच में ऐसा लगा कि भोला कुछ अलग ही बनाया है उन्होंने, बहुत तगड़ा बनाया है। क्योंकि टीजर वन के बाद मैंने क्लियर बोला था इट्स इट लुक्स लाइक कैथी, सच में टीजर टू कुछ तो डिफरेंट है। वो सॉन्ग भी यार आज फिर जीने की, अब मज़ा आया यार वो। तो यार थोड़ा सा वक्त रखो, सब्र करो, जो लोग अजय देवगन के हेटर्स है, देखो ये लोग किसी के हेटर नहीं, ये सबके हेटर है। ये अजय की मूवी आएंगी अजय को लेंगे, ये शाहरुख की आएगी उसको भी, उसका भी मजाक उड़ाएंगे, अक्षय की उसका भी, इनका ये किसी के नहीं है भाई। ये एक ऐसी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं कि भाई फ्लॉप जाएगी, क्योंकि वो OTT पे देखना पसंद करते, वो चाहते वो थिएटर से बंद हो और जैसा OTT। और सच बोल रहा हूँ, जैसे क्रिकेट में भी जैसे ODI क्रिकेट ये लोग ख़त्म करने पे तुले हुए हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ OTT का ज़माना इतना बढ़ चुका है और इतना कमाई वहाँ पे होने लगी ना, ये लोग अगले 2-3 साल में शायद मुझे सच में लगता है कि थिएटर्स नाम के ही चलेंगे, सब लोग बड़े बड़े एक्टर्स भी OTT के ही पीछे भागेंगे, ये कलेक्शन वलेक्शन का झमेला ही नहीं रहने वाला। देखो भाई सच में बदलेगा सब कुछ। OTT ऐसा बोला जाता है कि एक तरक्की है और लोग तरक्की के पीछे भागते हैं। अरे भाई OTT पे तुमको भाई 2 महीने बाद अगर कोई भी मूवी HD प्रिंट में मिलने वाली है तो वो 200 रुपये खर्चा करने का टिकट का, उससे बेटर है भाई OTT पे 2 महीने बाद देख लो ना, 800-900 रुपीज़ तो मंथली उसका ईयरली पैक रहता है हर एक एप्लीकेशन का, आपको तो अवेलेबल हो जाती है। और बाय द वे पायरेसी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कुछ लोग तो वो भी करते। तो बात सिर्फ यही है, अगर भोला में दम है तो वो मूवी भाई फ्लॉप हो ही नहीं सकती। इवन सेल्फी का भी बोलूँगा मैं, शहजादा का भी बोलूँगा, पर वो वेल मेड रीमेक नहीं होगी ना, तो चाहे वो भोला हो सेल्फी हो शहजादा हो कोई नहीं चलेगी। लेकिन ये भी है, अगर वो वेल मेड नहीं होगी ना और अगर फैंस चलाएंगे ना तो चलेगी। तो हेटर्स को मैं एक ही बात बोलूँगा, इन हेटर्स को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो अजय के फैंस हैं ना उन्होंने जवाब देना है। आप सच में अजय सर को देखना चाहते हो हिट, तो डेफिनेटली शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो और लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ अजय सर को लेके नहीं, मैं हर एक जो रीमेक को टॉन्ट मारते वगैरह है ना उनको बोल रहा हूँ मैं। इवन किसी का भाई किसी की जान भी शायद मैंने सुना है रीमेक है, तो भाई देखते हैं ना कि क्या होता है। अगर उनके फैंस, देखो फैंस है वो चढ़ा सकते हैं डेफिनेटली उसके उन एक्टर्स को, तो वो वक्त बताएगा। मैं यही कहूँगा अजय सर के फैंस को, क्या आप उन हेटर्स के साथ हो? मतलब आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या वो जो बोल रहे हैं कि भाई भोला रीमेक है तो क्या चलेगी, क्या आप उस बात से सहमत हो या नहीं, ज़रूर बताइए। और मैं यही कहूँगा अजय सर के फैंस, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मैंने बनाया है। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।